उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक श्री अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के पर्यवेक्षण में जनपद अंबेडकर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आमजन के चोरी हुई व गुम हुए मोबाइल की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा अंबेडकर नगर के आदेशानुसार पुलिस कार्यालय पर गठित मोबाइल रिकवरी सील टीम द्वारा लगातार अथक प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न जगहों से 102 मोबाइल जिसकी कीमत 20,40,000 रुपए की बताई गई है, 20,40,000 रुपए की मोबाइल बरामद कर संबंधित मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा वितरित किए गए। मोबाइल रिकवरी सेल टीम के मुख्य आरक्षी विनय कुमार यादव, आरक्षी प्रदीप यादव, सौरभ पांडे, चंद्र प्रकाश वर्मा, अंकुर यादव रहे। ये हमारी मोबाइल रिकवरी की टीम है, कांस्टेबल विनय मुख्य, हेड कांस्टेबल विनय यादव, कांस्टेबल प्रदीप, योगिंदर मुख्य आरक्षी, सौरभ पांडे, चंद्र प्रकाश वर्मा, अंकुर यादव। इन्होंने विगत एक माह में 102 मोबाइल जो चोरी की रिपोर्ट्स हमारे पास हुई थी, चोरी की या लूट की या गिर जाने की या खो जाने की या किसी प्रकार से मिसिंग की रिपोर्ट थी हमारे यहाँ, 102 मोबाइल की थी, उनकी कीमत करीब 20,40,000 रुपये है, वो बरामद किया गया है और वो आपके समक्ष रखा है, जो आम जनता को जो उपस्थित है उनको वितरित किया जाएगा। सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है साइबर सेल को इसे कलेक्ट करने में या बरामद करने में? हर एक एप्लीकेशन पे टोटल डिटेल इंक्वायरी होती है, उसके INI नंबर को स्कैन कराया जाता है, उसके सिम को स्कैन कराया जाता है, तमाम सर्विस प्रोवाइडर से उससे जानकारी ली जाती है, फिर वो कहाँ चल रहा है उसकी जानकारी की जाती है, फिर टीम्स उतनी जगहों पर जाती है, इवन स्टेट के बाहर तक जाती है और मोबाइल को रिकवर करती है। काफी मेहनत तो और काफी पैसा खर्च होता है इस। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।